सबसे पहले बाउल में एक कप घी डालेंगे और हाफ कप पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स करेंगे। चीनी और घी अच्छे से मिक्स करने के बाद शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 2 कप मैदा डालकर चम्मच से मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स करने के बाद हाथ से मिक्स करेंगे ताकि मैदा यकजा हो जाए। नान खटाई का मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून मिक्सचर लेंगे। और राउंड करते हुए इस तरह शेप दे लेंगे। बाकी के पेड़े भी इसी तरह बना लेंगे। पेड़े बना लिए हैं, अब 1 अदद अंडे की जर्दी लेंगे और 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग डालकर मिक्स करेंगे। अब ब्रश की मदद से जर्दी सब पेड़ों पर लगा लेंगे। जर्दी लगाने के बाद बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते रखेंगे। अब नान खटाई को ओवन में 150 सेंटीग्रेड पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। नान खटाई बेक हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारी मज़ेदार बेकरी स्टाइल नान खटाई तैयार है। सबसे पहले पैन में 1/4 कप घी डालेंगे, फिर डालेंगे 1/4 कप दूध, 1/2 कप चीनी और 2.5 कप मिल्क पाउडर डालकर हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट तक ठीक होने तक पकाएंगे। बर्फी ठीक हो चुकी है। बर्फी तैयार है, अब डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के लिए बर्तन को बटर से ग्रीस करेंगे। अब बटर पेपर रखेंगे। और बर्फी डालकर स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे। अब बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते डालेंगे और स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि बादाम पिस्ते बर्फी पर चिपक जाएं। अब रैप करेंगे और 2 घंटे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे। बर्फी ठंडी हो चुकी है, अब निकाल कर कट कर लेंगे।
हमारी मजेदार मिल्क बर्फी तैयार है। सबसे पहले पैन में 3 कप चीनी लेंगे, फिर 1 कप पानी डालकर चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और हल्की आंच पे स्पैचुला चलाते हुए शीरा बनने तक पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाते हुए शीरा तैयार हो चुका है। अब फ्लेम बंद करेंगे और स्पैचुला चलाते हुए चीनी ठंडी कर लेंगे। और जैसे जैसे चीनी ठंडी होती जाएगी वैसे भूरा तैयार होता जाएगा। लड्डू के लिए बेहतरीन भूरा तैयार हो चुका है। अब चीनी को छान लेंगे और जो मोटी चीनी बचेगी पीस कर भूरे में मिला देंगे। अब बेसन भूनेंगे। बेसन भूनने के लिए पैन में 1.5 कप घी लेंगे। और घी गर्म करने के बाद 5 कप बेसन डालकर तकरीबन 6 से 8 मिनट तक भूनेंगे। बेसन भूनने के बाद 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून येलो फूड कलर डालकर 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते हुए पकाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर छींटा लगाएंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बेसन भून चुका है। अब चूल्हे से हटाकर स्पैचुला चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब एक बाउल में बेसन डालेंगे और तैयार किया हुआ भूरा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन और भूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा बेसन लेंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए लड्डू तैयार कर लेंगे। हमने दरमियाने साइज के लड्डू बनाए हैं, आप किसी भी साइज के बना सकते हैं। लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब बादाम पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। हमारे मजेदार बेसन के लड्डू तैयार हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।